इस सेशन में हम लोग LR0 आइटम या उसका दूसरा नाम आइटम और LR1 आइटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, LR0 आइटम और LR1 आइटम, ये दोनों जो LR पार्सर्स हैं उसमें यूज होते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ मैंने बता रखा है LR0 आइटम और उसका दूसरा नाम सिर्फ आइटम के नाम से भी बोला जाता है, ये यूज होते हैं LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर में। ओके, सिमिलरली जो LR1 आइटम हैं वो यूज होते हैं LALR1 पार्सर और CLR1 पार्सर में। ओके, तो अब ये LR0 आइटम होते क्या हैं इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कहता सपोज करो मेरे पास एक प्रोडक्शन है S derives AAB। ओके, तो इसके लिए कितने किस तरह से LR0 आइटम बन सकते हो, कैसे दिखते हैं ये। ओके, तो इस प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव मैंने क्या किया है, ये चार LR0 आइटम लिखे हुए हैं। ओके, ये चार LR0 आइटम हैं जो इनके मीनिंग क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे कि पहला आइटम जो लिखा है मैंने LR0 S derives dot AAB। ओके, दूसरा क्या है S derives A dot, ये जो डॉट है ये आगे शिफ्ट हो रहा है। ओके, AAB S derives AA, यहां पर A के आगे चला गया डॉट और यहां पर B सबसे आगे लास्ट में चला गया। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर डॉट लगा है AAB, इसका मतलब है जब पार्सिंग होगी, मींस जब LR पार्सर्स किसी इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करेंगे तो उस समय इसका मतलब क्या होगा, अगर इस तरह का कोई प्रोडक्शन दिखता है तो इसका मतलब है होप टू सी अ स्ट्रिंग डिराइवल फ्रॉम AAB नेक्स्ट ऑन द इनपुट। ओके, जब नेक्स्ट इनपुट पढ़ा जाएगा और तो ये मींस इसका मतलब ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज वी हैव जस्ट सीन अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए को पढ़ चुका है। ओके, एंड नाउ होप टू सी अ स्ट्रिंग डिराइवल फ्रॉम कैपिटल AB। ओके, नेक्स्ट ऑन द इनपुट। ओके, इसी तरीके से यहां पर मींस इसका मतलब यहां से निकल सकता है, आप समझ सकते हैं। ओके, लेकिन जो ये आइटम लिखा है LR0 आइटम S derives AAB और डॉट सबसे एंड में है, जब भी ये सिनेरियो आएगा डॉट सबसे एंड में होगा, इसका मतलब ये आइटम कौन सा आइटम है, LR0 आइटम तो है लेकिन इसको बोला जाता है कंप्लीटेड आइटम और रिड्यूस्ड आइटम। ओके, तो कंप्लीटेड आइटम या रिड्यूस्ड आइटम का क्या मतलब है, दैट इज टाइम टू रिड्यूस AAB टू S। जैसे कि हमने जब बॉटम अप पार्सिंग में रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वो वही रिडक्शन की बात कर रहा है कि अगर प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड की चीज AAB इस तरीके से दिखता है कि डॉट सबसे लास्ट में है तो कहता है इसको अब रिड्यूस किया जा सकता है S से। ओके, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सपोज करो कि आपकी ग्रामर में कोई प्रोडक्शन इस तरीके से है A derives epsilon। ओके, तो इसके लिए LR0 आइटम क्या होगा। ओके, तो इसके लिए LR0 आइटम होगा A derives dot epsilon। ओके, और डॉट एप्सिलॉन, आप पता है डॉट क्या करेगा, एप्सिलॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक्चुअल में ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा इस तरीके से, सिर्फ एक डॉट होगा लास्ट में। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि ग्रामर्स में जब आप मींस इसकी पार्सिंग के लिए आगे बढ़ोगे तो इसके इस कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी, तो हो सकता है कि वहां पर कंफ्यूजन हो कि अगर A derives epsilon कोई सा प्रोडक्शन है तो उसका LR0 आइटम या आगे चल करके LR1 आइटम कैसे लिखा जाए, तो LR0 आइटम उसका ये होगा A derives dot। ओके, नाउ LR1 आइटम, LR1 आइटम क्या होता है, LR1 आइटम होता है LR0 आइटम प्लस लुक अहेड सिंबल। ओके,
और जैसे कि मैंने इसमें सिर्फ एक दिखाया है क्योंकि बाकी तो फिर LR0 आइटम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो जैसे S derives ये LR0 आइटम, तो LR0 आइटम मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर कोई सा भी LR0 आइटम आ सकता है, कॉमा X, जो X है वही है लुक अहेड सिंबल। ओके, यहाँ पर X जो है जब हम बोल रहे हैं LR1 means अगर हम पार्सर यूज कर रहे हैं LALR1 या CLR1, ओके, तो फिर ये जो लुक अहेड है इसकी लेंथ एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, एग्जैक्टली वन लेंथ इसकी होगी, मीन्स सिंगल टर्मिनल बट कैन हैव मेनी ऑप्शंस। मेनी ऑप्शंस का मतलब कि पता मीन्स कोई भी स्ट्रिंग आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि डॉट AAB मीन्स एस डेराइव डॉट AAB, और जो इनपुट स्ट्रिंग पढ़ने के बाद जब पार्सिंग का डिसीजन ले रहे हो तो लुक अहेड देखने की नीड पड़ रही है और वो ये लुक अहेड एक्स से डिसाइड हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्स क्या हो, ऑप्शन कई सारे हैं, इसका मतलब एक्स ए भी हो सकता है, एक्स बी भी हो सकता है, एक्स सी भी हो सकता है। ओके, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है। ओके, एंड दैट्स डन।